ट्विटर के जो पूर्व सीए रहे हैं जैक डोर्सी, उन्होंने दावा किया है जब आपका किसान आंदोलन चला तो उन दौरान आप ट्विटर इतना दबाव था कि आपके किसानों के ऊपर उसको लेकर क्या गए, अकाउंट बंद किए गए। उसमें उनके ऊपर भारत सरकार का ये दबाव था, रिक्वेस्ट भेजती थी भारत सरकार कि किसान आंदोलन को जो ज़्यादा हाईलाइट कर रहे हैं उन अकाउंट को बंद करा जाए, उनकी रीच कम हो, उनको कम दिखा जाए, ये हुआ है। क्या कहेंगे, किस तरह का दबाव था? उन्होंने, जैक डोर्सी ने दावा भी किया है ट्विटर अकाउंट्स कई बंद किए गए, कहा गया भारत की जो कंपनियां किसान के दफ्तर हैं उन सबको बंद करने के, किस तरह का दबाव? बिल्कुल था दबाव, भारत सरकार का दबाव रहता है कि जो रीच जा रही थी किसान की कि उसको कम से कम दिखा जाए। आंदोलन को ऐसे ही तो तोड़ते हैं ये भाई, ये अमेरिका तक कंपनी को सिफारिश कर रहे कि ना दिखाओगे, वे कंपनी वो दिखा रही थी जो घटना घट रही थी। उन्होंने दावा किया क्योंकि वो उन्होंने अब अपनी कंपनी पूरी सेल कर दी, बेच दी, नए सीईओ उसके आए हैं, तो किताब भी लिखागा इस पर। उन्होंने ऐसा भी कहा कि जब उन्हें कहा गया ट्विटर के अकाउंट बंद नहीं करेंगे तो छापेमारी होगी, ऐसा कुछ परिसर में तो लिखते ही है, जो भारत में उनके संस्थान थे तो उन पर छापेमारी, उनको डराने का, उनके जो अधिकारी हैं उनको जेल भेजने का, तो सब काम करते हैं सरकारें। तो ट्विटर का अकाउंट बंद कितने किए गए? बहुत किए गए, जो उनको दिखाते थे तो बहुत अकाउंट बंद किए गए, उनको लेट तक है यहाँ ब्लॉक भी किए गए। वो सबको पता था, छोटे छोटे बच्चों को भी पता था कि अगर ज़्यादा इसको दिखाओगे तो वे ब्लॉक करते हैं ट्विटर के अकाउंट। आज का क्या कुछ ऐसा कहा गया है कि अब संयुक्त किसान मोर्चा के हाथ में चला गया आंदोलन? अभी बातचीत चल रही है, अभी तो नहीं, अभी तो वही दो डिमांड हैं। पहली है कि MSP पर खरीद करें, जो भारत सरकार के रेट है, जो देश के प्रधानमंत्री ने कहा, हम तो उन्हीं की बात मान रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री ने जो कहा MSP पे उस पर खरीद कर लें, ये कहा। दूसरा ये है कि यहाँ से हमको गिरफ्तार कर लें, जब भी उनका समाधान हो जाएगा हमको जेल भेज दें, जो किसान है उनको रिहा कर दें। मगर गुरनाम सिंह चढ़ूनी तो जेल से कह रहे हैं हमारी रिहाई जरूरी नहीं है। हाँ नहीं, बिल्कुल ठीक है, उनकी रिहाई कहाँ जरूरी है, तो 5-6 महीने चौधरी चरण सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी भी 20-20 महीने जेल में रहे, टिकैत साहब भी 350 बार जेल में रहे, लेकिन हमारी डिमांड रहेगी कि जो किसान नेता इस मुद्दे पर जेल में गए उनकी भी रिहाई हो। पक्का मोर्चा गाड़ दिया गया? मोर्चे तो पक्के ही हैं, ठीक जगह है, ये पार्क भी यहाँ पे बढ़िया है, हाईवे पर ठीक के मसीहा रहे हैं देवीलाल, तो देवीलाल समझौता, हाँ समझौता कुछ हो जाएगा भाई, ये जगह तो ठीक है, पक्का मोर्चा तो यहाँ लग जाना चाहिए।